C++ प्रोग्राम के पहले स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं समझाने जा रहा हूँ कि C++ प्रोग्राम कैसे लिखें, इसे कंपाइल कैसे करें, इसे निष्पादित कैसे करें। हम कुछ कॉमन एरर्स और उनके हल के बारे में भी समझाएंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10 और G++ कंपाइलर वर्जन 4.5.2 का उपयोग कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एडिटर की जानकारी होनी चाहिए। विम और gedit कुछ एडिटर्स हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में gedit का उपयोग कर रहा हूँ। संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो निम्न लिंक पर प्रदर्शित है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि C++ प्रोग्राम कैसे लिखें। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज का उपयोग करके टर्मिनल विंडो खोलें। टेक्स्ट एडिटर खोलने के लिए टर्मिनल में टाइप करें gedit स्पेस talk.cpp स्पेस &sign। प्रॉम्प्ट को मुक्त करने के लिए हम एम्परसेंड का उपयोग करेंगे। कृपया ध्यान दें कि सभी C++ फाइल्स का एक्सटेंशन .cpp होगा। अब एंटर दबाएं। टेक्स्ट एडिटर खुलता है। प्रोग्राम लिखना शुरू करें। टाइप करें \ स्पेस my first C++ प्रोग्राम। यहाँ \ लाइन को कमेंट करने के लिए उपयोगी है। कमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को समझाने के लिए उपयोगित हैं। यह प्रलेखन के लिए उपयोगी है। यह हमें प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता है। \ को सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। अब एंटर दबाएं। टाइप करें #include स्पेस ओपनिंग एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। यह अच्छी आदत है कि पहले ब्रैकेट्स पूर्ण करें और फिर इसके अंदर लिखना शुरू करें। अब ब्रैकेट में टाइप करें आईओस्ट्रीम। यहाँ आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है। इस फाइल में C++ के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का वर्णन शामिल है। अब एंटर दबाएं। टाइप करें यूजिंग स्पेस नेम स्पेस स्पेस std और सेमीकोलन। यूजिंग स्टेटमेंट कंपाइलर को सूचित करता है कि आप std namespace का उपयोग करना चाहते हैं। namespace का उद्देश्य है समान नाम के टकराव से बचना। यह पहचानकर्ताओं के नामों के स्थानीयकृत द्वारा किया जाता है। यह घोषणात्मक क्षेत्र तैयार करता है और अवसर को निर्धारित करता है। जो कुछ भी namespace में दर्शाया गया है वो namespace के स्कोप में है। यहाँ std namespace है जिसमें पूरी स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी घोषित है। अब एंटर दबाएं। टाइप करें int स्पेस main ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। main एक विशिष्ट फंक्शन है। यह सूचित करता है कि प्रोग्राम का निष्पादन इस लाइन से शुरू होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। main के आगे पैरेंथेसिस यूजर को दर्शाता है कि मेन एक फंक्शन है। यहाँ इंट मेन फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता और टाइप इंटीजर की वैल्यू वापस करता है। हम डेटा के प्रकारों के बारे में दूसरे ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब मेन फंक्शन के बारे में अधिक जानने के लिए स्लाइड्स पर जाएं। प्रत्येक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना चाहिए। यहाँ एक से अधिक मेन फंक्शन नहीं होने चाहिए, अन्यथा कंपाइलर प्रोग्राम की शुरुआत का पता नहीं लगा सकेगा। पैरेंथेसिस की खाली जोड़ी दर्शाती है कि मेन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आगे के ट्यूटोरियल्स में चर्चा करेंगे। अब अपने प्रोग्राम पर वापस जाएं। एंटर दबाएं। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन की शुरुआत दर्शाता है। फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें। क्लोजिंग ब्रैकेट मेन फंक्शन की समाप्ति दर्शाता है। अब ब्रैकेट्स के अंदर दो बार एंटर दबाएं।
कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाएं। इंडेंटेशन कोड को पढ़ने के लिए आसान बनाता है। यह शीघ्रता से एरर्स का पता लगाने में भी मदद करता है। अतः यहाँ स्पेस दें और टाइप करें cout स्पेस दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। यहाँ cout टर्मिनल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड C++ फंक्शन है। अब ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स में टाइप करें। cout फंक्शंस में डबल कोट्स के भीतर जो कुछ भी है प्रिंट होगा। अब कोट में टाइप करें टॉक टू अ टीचर \n। \n नई लाइन को प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप cout फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कर्सर नई लाइन पर चला जाता है। प्रत्येक C++ स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से समाप्त होना चाहिए, इसलिए इसे इस लाइन के अंत में टाइप करें। सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में कार्य करता है। एंटर दबाएं, यहाँ स्पेस दें और टाइप करें रिटर्न स्पेस 0 और सेमीकोलन। यह स्टेटमेंट इंटीजर 0 देता है। इस फंक्शन के उत्तर में एक इंटीजर प्राप्त होना चाहिए क्योंकि फंक्शन प्रकार इंट है। रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की समाप्ति को प्रदर्शित करता है। हम रिटर्न्ड वैल्यू के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में और अधिक सीखेंगे। अब फाइल को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फाइलों को लगातार सेव करते रहना एक अच्छी आदत है। यह आपको अचानक होने वाले पावर कट से बचाएगा। यह एप्लीकेशंस के क्रैश होने के मामले में भी उपयोगी होगा। अब प्रोग्राम को कंपाइल करें। टर्मिनल पर वापस जाएं। टाइप करें g++ स्पेस talk.cpp स्पेस -o स्पेस आउटपुट। यहाँ C++ प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए G++ एक उपयोगित कंपाइलर है। talk.cpp हमारा फाइल नेम है। -o आउटपुट से पता चलता है कि एग्जीक्यूटेबल को फाइल आउटपुट में जाना चाहिए। अब एंटर दबाएं। हम देखते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। ls स्पेस -lrt टाइप करके हम देख सकते हैं कि बनाई जाने वाली अंतिम फाइल आउटपुट है। प्रोग्राम को निष्पादित करें, टाइप करें /output और एंटर दबाएं। यहाँ आउटपुट टॉक टू अ टीचर के रूप में प्रदर्शित होता है। अब सामान्य एरर्स देखते हैं जो आगे आ सकती हैं। एडिटर पर वापस जाएं। मान ले कि यहाँ हम क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भूल जाते हैं। अब फाइल सेव करें, निष्पादित करें, टर्मिनल पर वापस जाएं। अब कंपाइल करें और हमारे द्वारा पहले उपयोगित कमांड का उपयोग करके प्रोग्राम रन करें। हम एक एरर देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ हमारी talk.cpp फाइल में लाइन संख्या 7 पर एक एरर है। वह है expected curly bracket at the end of input। अब अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएं। जैसा मैंने पहले कहा था, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन का अंत दर्शाता है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट पुनः प्रविष्ट करें। अब फाइल सेव करें, इसे निष्पादित करें। आप अप एरो की का उपयोग करके पूर्व में उपयोग की गई कमांड्स को दोहरा सकते हैं। यही मैंने भी अभी किया। हाँ, यह कार्य कर रहा है। मैं आपको अन्य सामान्य एरर दिखाऊंगा। अब वापस अपने टेक्स्ट एडिटर पर जाएं। अब मानिए कि यहाँ हम std भूल जाते हैं। फाइल सेव करें, अपने टर्मिनल पर वापस जाएं, कंपाइल करें। हम देखते हैं कि यहाँ हमारी talk.cpp फाइल में लाइन संख्या 3 और लाइन संख्या 6 पर एक एरर है। वह है expected identifier before semicolon और cout was not declared in this scope, क्योंकि cout standard C++ library function है और पूर्ण C++ library function std namespace में निर्दिष्ट है, इसलिए यह एक error दे रहा है। अब error fix करें। अपने text editor पर वापस जाएं, type करें std, इसे save करें, इसे फिर से compile करें। हाँ, यह कार्य कर रहा है।
एक नियत कार्य के रूप में अपना और शहर का नाम प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। हमने इस ट्यूटोरियल में सिंगल लाइन कमेंट का उपयोग किया। अब मल्टी लाइन कमेंट देने की कोशिश करें। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है IIT मुंबई की ओर से। अब मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।